आप सब देख रहे थे आज हाउसफुल था, और अगर ये नॉर्मली संडे का दिन होता भाई, बाबर ने आज फुल प्रोटोकॉल दिया है सितारा सिस्टर को, वरना रश बहुत था। कैसी पब्लिक है भाई, 100 का बोले 2000 वाली बात है, 1000 वाली बात। और वकार भाई क्या हाल चाल है? खैरियत है, तबीयत ठीक है भाई? आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, आज आपको शादी की मुबारकबाद देनी है सबसे पहले तो, और दूसरी बात साथी हैं, दोस्त हैं जो काफी टाइम से लेके गायब थे, और जाहिर है आप भी मुझसे पूछते रहे उसके बारे में कि कोई भी है कहाँ पे, तो आज उससे आपका मुलाकात भी करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब घर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी और हाइलाइट से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हमारा क्या टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है जी सितारा यासीन के सेलिब्रेशन के हवाले से। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन किया कराची में, जहाँ से उन्होंने अपनी यूट्यूब की लाइफ स्टार्ट की। यूट्यूब की एक जर्नी थी उनकी, मेकअप की वीडियोस से उन्होंने स्टार्ट लिया और आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके कंप्लीट हो गए। तो उन्होंने पहला जो बड़ा सेलिब्रेशन किया वो अपने वही होम टाउन कराची में किया, और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी यहाँ पे। काफ़ी सारी बातें हैं, कुछ दिन पहले जब वो कराची आई, सरप्राइज़ दिया तो लोगों का मौक़िफ ये था, काफ़ी सारे उसमें हेटर्स की ज़बान थी कि यार ये कराची गई है, इसके पास पब्लिक नहीं आएगी, और कुछ कह रहे थे कि बस मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए अब लोग नहीं आएंगे। उसके बाद ही काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अगर ये बिलफर्ज एक सेलिब्रेशन करती भी है तो उसमें बड़ी बदनज़मी होगी, सिक्योरिटी प्रॉपर इनके उसमें नहीं होगी, लोगों की काफ़ी तादाद होगी, ये नहीं कर पाएगी और सिर्फ ये बातें कर रही है। जब ये इस्लामाबाद में थी तब भी लोग कह रहे थे कि जो ये आएंगी कराची तो अब देखा जाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस्लामाबाद से ट्रेवल करके आके कराची में ये अपना जो जर्नी है इनकी पूरी यूट्यूब की, इसमें सेलिब्रेशन करें, उन लोगों में घुल मिल जाएं, और जो उनसे मोहब्बत करने वाली ख़वातीन थी हमारी बहनें उनसे कैसे मिलेंगी, ये नहीं मिलती हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये ख्याल था कि इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, और मुख्तलिफ सी चीज़ें थी इनके बारे में, जो एक तासुर बनाया गया था यूट्यूब के ऊपर कि ये नहीं मिलती किसी से और इनके अंदर वो चीज़ नहीं है, थोड़ी सी मतलब एटीट्यूड है इनके अंदर, ये इस तरह की बातें की जा रही थी। ओवरऑल जी इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो हेटर्स थे और कुछ और लोग थे बाहर से जो बातें करते थे YT पे आके कि ये नहीं कर पाएंगी और इस तरह होगा, क्या ये उन लोगों की जो बातें थी वो सही बातें थी या इसके अपोजिट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, क्या मामला आते हैं। आज का टॉपिक कुछ यही है, इसी पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा खुल के आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप कुछ क्लिप्स देख लें। अच्छा उसके साथ जी कल शाम में जो ये इवेंट हुआ था, जो सेलिब्रेशन हुआ था, इसमें सितारा के कौन कौन से सपोर्टर्स थे और कौन कौन से लोग थे मजीद जो उनको सपोर्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ में, कौन कौन लोग आए हुए थे वो भी सब नाम बताऊँगा, वो भी आपको स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये कुछ आज की वीडियो है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबसे बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आज कुछ मैंने क्लिप्स बनाए थे वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले वो क्लिप्स देखें और उसमें आप देखें कि किस तरह पब्लिक आई हुई है, क्या मामलात हैं, और जो लोगों की बातें थी वो आप वीडियोज़ में देख के खुद ऑब्जर्व करें, देन फिर हम इस सारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और वकार भाई क्या हाल चाल है? खैरियत है, तबीयत ठीक है भाई? आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, आज आपको शादी की मुबारकबाद देनी है सबसे पहले तो, और दूसरी बात ये है कि अभी माशाल्लाह आपने इवेंट यहाँ पे करना है, आप थोड़ा बहुत पूछना था कि शादी के बाद कैसी ज़िंदगी गुजरती है? बहुत अच्छी होगी माशाल्लाह से, बहुत सुकून आ गया है। सुकून आ गया ज़िंदगी में? लोग बोलते हैं शादी करने के बाद मुसीबत हो जाती है, शादी में बंदा बाउंड हो जाता है, बेगम को टाइम देना पड़ता है, ये क्या सच बात है? नहीं है नहीं बोलते यार, लाइफ बंदे की बड़ी वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बंदा दोस्तों को टाइम नहीं देता, ये नहीं वो नहीं, थोड़ा सा आपसे एक्सपीरियंस पूछ, क्योंकि हम तो शहादत वाला ये रुतबा पहले से हासिल कर चुके हैं, आपसे तभी पूछ रहा हूँ। अच्छा दोस्तों को भी वाइफ को भी मैनेज कर रहे हैं? सही है बिल्कुल,
चलो इंशाल्लाह आगे भी सही रहेगा। अल्लाह बहुत शुक्रिया भाई। बाबर ने आज फुल प्रोटोकॉल दिया है सितारा सिस्टर को, वरना रश बहुत था। कैसी पब्लिक है भाई? का हजारों वाली बात, मैंने पहले ही कहा था आपने खुला मीटअप रखा है, बहुत पब्लिक आएगी। चले माशा, जो अभी फर्स्ट टाइम है अभी आइडिया हो गया कैसे आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, सब खैरियत है आपकी? अच्छा भाई, आज मैं आपसे मिलवाऊंगा हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं, दोस्त हैं, जो काफी टाइम से लेके गायब थे, और जाहिर है आप भी मुझसे पूछते रहे उसके बारे में कि वो है कहाँ पे, तो आज उससे आपका मुलाकात भी करवाऊंगा, तारुफ भी करवाऊंगा। तारुफ का तो मोहताज नहीं है, हमारे बहुत ही पुराने सपोर्टर हैं, साथी हैं, अब भी हैं, और काफ़ी टाइम से लेके वो इनके फैमिली के साथ कनेक्ट थे, और माशाल्लाह से अब दोबारा आएंगे, आप अनकरीब देखेंगे। मगर आपने सवालात किए थे, तो आज इंशाल्लाह आपसे मैं उनसे बात भी करवाऊंगा, उनसे पूछूंगा भी कि वो कहाँ गायब थे इतने अरसे से। अता भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। यार आप तो बिल्कुल ही गायब हो गए स्क्रीन से। हम सिर्फ पर्दे के पीछे हैं, बाकी काम तो नहीं। पर्दे के पीछे हो मगर लोग अभी भी आपका पूछते रहते हैं, पूछते हैं कि अता भाईदा कहाँ चला गया, ना चैनल पे आ रहा है, ना हमें शेर सुना रहा है, ना हमें खबरें सुना रहा है, अभी जो पहले सुनाता था। आजकल क्या कर रहे हो? गाड़ियों वाड़ियों का काम कर रहे हैं। चले जी, मैं बस अपने व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि ये हमारे साथ बैठे हुए हैं अता भाई हैं हमारे ये, और आप लोग काफ़ी टाइम से लेके कह रहे थे कि अता भाई कहाँ हैं, तो भाई अता भाई यहीं पे मौजूद हैं। इन्होंने चैनल अपना वाइंड अप कर दिया, ख़त्म कर दिया है, मगर अब ये अपना काम करने लगे हैं माशाल्लाह से, और अनकरीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको दोबारा यूट्यूब पर लेकर आएँगे, और ये आएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, है ना? आएँगे ना? नहीं नहीं, वो तो जाहिर है आप फैमिली पर्सन है यार, अब आपकी कैसे नहीं बात होगी, आप तो फैमिली पर्सन है। लोग तो पूछने हैं ना कि पर्दे से कहाँ चला गया, जो आपसे पुराने जो लोग कनेक्टेड थे आपसे वो तो पूछ रहे हैं ना, अभी भी सवाल कर रहे हैं ना, तो उनको तो आज दिखाना था ना आपको। आज आप कैसे बुकिंग देते हैं ना कराची के अंदर? लोग कह रहे थे कि संडे को इवेंट, अगर आप संडे को इवेंट कराते तो कितने लोग आए? पूरी कराची आती थी। ये तो आज हाउसफुल था, आप सब देख रहे थे आज हाउसफुल था, और अगर ये नॉर्मली संडे का दिन होता तो कितना रहता? आज आप सब खुश हो जाएं कि आज आपके हफ्ते अजीज यूट्यूबर आपके साथ है, और एक जी जनाब वीडियो आपने देख ली, अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितना क्राउड था, सितारा कितनी एक्साइटेड थी, सबसे मिल रही थी। और सबसे पहले जो बात करूंगा जी वो हेटर्स की करूंगा। हेटर्स का कुछ दिन पहले एक मौक़िफ़ आया था, जो उनके अपने अपने चैनल्स हैं, कि ये अपने पैसे ख़राब कर देगी, सेलिब्रेशन के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है, इस्लामाबाद से ट्रेवल करके कराची कैसे जाएगी, और काफ़ी टाइम गुजर चुका था इस बीच में, लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे कि ये जाके सेलिब्रेशन नहीं करेगी। फाइनली उन्होंने स्टेप लिया, वहाँ से चली, पहले गांव गई अम्मी के पास, फिर वहाँ से कराची पहुँची, सबको सरप्राइज़ दिया। बाद जी उन्होंने स्टार्ट लिया यहाँ पे कराची में, वो सारी चीज़ें अपनी दिखाईं जो वो जहाँ जहाँ जाती थी, कुछ व्लॉग्स के अंदर पुरानी अपनी यादें ताज़ा की। कल जो इन्होंने एक इवेंट मुनक्किद किया था, मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था, जिस तरीके से हेटर्स कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, वर्किंग डे चॉइस किया है इसने अपने इवेंट के लिए, बेशक वर्किंग डे था, और उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे कि कुछ जॉब्स पे जाते हैं, कुछ हाउसवाइफ के अपने घरों में काम होते हैं। मगर कल जी मैं खुद वहाँ पे कुछ देर के बाद वहाँ पहुँचा था, जब वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी, उनका जो प्रोग्राम था, सेलिब्रेशन था, उसके तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मैं खुद वहाँ पर शरीक हुआ था। जब मैंने देखा तो हाउस फुल था, और ऑलमोस्ट वो तकरीबन 2000-3000 से ऊपर की स्पेस की वो जगह थी जहाँ पे इन्होंने ये इवेंट किया था। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, ज़्यादातर जो उसमें थी वो हमारी बहनें थी, ख़वातीन थी, 70-80% ख़वातीन थी। उनके साथ जो कुछ फैमिली मेम्बर्स थे अपने, उसमें जेंट्स थे, किसी का भाई था, किसी का हस्बैंड था, किसी का वालिद था, तो इस तरह वो भी थे, बच्चे थे बहुत ज़्यादा तादाद में। सितारा ने जब एंट्री ली, उससे पहले मैंने जब वीडियोस देखी काफ़ी सारी, तो लोगों का जो स्टार्ट आना ही था वो ऐसा था कि अभी मतलब हॉल में कोई पहुंचा ही नहीं था। काफ़ी सारी हमारी बहनें वहाँ एक्साइटेड थीं, जिन्होंने वीडियोस अपलोड की हैं यूट्यूब पे, उन्होंने दिखाया कि लोग 12 बजे से, उन्होंने 2 से लेके 6 बजे तक का टाइम एक रखा था, मगर लोग 12 बजे से आना शुरू हो गए। वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स जिन्होंने दिए थे हमें, वहाँ पे जो हॉल था, उन लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि भाई तकरीबन 12 बजे से लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया था, और ये शाम 6 बजे 6:30 बजे तक ये सेलिब्रेशंस चलते रहे हैं। जब सितारा की एंट्री हुई और वो अंदर दाखिल हुई, तो एक बहुत बड़ा हुजूम ख्वातीन का उनके साथ लिपट गया,
और उनको प्यार करने लगा। लोग काफ़ी सारे गुलदस्ते लाए थे, फूलों के बुके लाए थे, उसके साथ साथ केक्स लाए थे और काफ़ी सारी मतलब वो बेस्ट विशेस दे रहे थे, उनको दुआएं दे रहे थे। अब एक व्लॉगर हैं और वो कहते हैं ना कि सबकी हर दिल अजीज़ हैं, सब उसको देखते हैं, तो जब वो उनके बीच में होगी तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे कि यार आज जिसको हम देखना चाहते थे करीब से, जिसको हम बैठ के सुनना चाहते थे, वो आज हमारे बीच में है। अच्छा, लोगों की यहाँ बातें ये थी कि ये एटीट्यूड दिखाती हैं, ये किसी से मिलती नहीं है या वो फीडबैक नहीं देती हैं व्यूवर्स को। तो कल व्यूवर्स ने खुद अंदाज़ा लगा लिया होगा, जो जो वहाँ पे आया था उस मीटअप के अंदर वो आपको अपने वीडियोस में नज़र आएगा, सबसे वो गले लगी हैं, वन बाय वन सबके साथ उन्होंने सेल्फीज़ निकलवाई हैं। हालांकि उनके साथ पुलिस प्रोटोकॉल था, फिर भी वो नीचे गई हैं जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। ऐसा ना हो कि कल को लोग बोलें कि सिर्फ स्टेज पर खड़ी हुई थी, अपने अपने लोगों को बुला रही थी, नहीं, वो नीचे गई हैं, स्टेप बाय स्टेप सबसे मिली हैं, छोटे बड़े बच्चे सबसे प्यार किया, उन सबको अपने साथ खड़ा किया, तस्वीरें ली, खुद मोबाइल्स लेके उनके साथ सेल्फीज़ दी हैं। ये इन चीज़ों का मैं खुद गवाह हूँ। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म का एक वहाँ पे मंज़र था। लोगों ने जो जो हेटिंग में बातें की थी हेटर्स ने कि लोग कम आएंगे, वर्किंग डेज होगा, तो उससे सारी उलट बात हो गई, वहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। अतः कि जी मेरी लास्ट में उनसे बात होती है तो मैंने उनको कहा कि तो शुक्र करें कि आपने वर्किंग डे रखा, अगर आप संडे को रखती, ये मैंने उनसे सवाल किया, तो बताएं सितारा सिस्टर यहाँ पे कितनी पब्लिक आती। तो उन्होंने खुद कहा कि कदीर भाई वाकई अगर मैं संडे रखती तो कोई भी यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे और बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती। ये तो शुक्र है कि हमारा वर्किंग डे था, उसमें जितने लोग आ सकते थे, उन्होंने एक खुला इनविटेशन दिया खुले दिल के साथ पूरी फैमिली ने उनकी कि भाई सब आएँ, जितने भी लोग आना चाहते हैं सब आएँ, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बच्चे आएँ, बड़े आएँ, बुजुर्ग आएँ, जिनके चैनल्स हैं वो भी आएँ। लोगों ने अपने चैनल्स के नाम दिलवा के उनसे कहा कि हमारे चैनल्स के लिए बोलें, बोला है उन्होंने बाकायदा से, आप वीडियोस में देखें, सबके लिए बोला है। बहरहाल लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत खुशी हुई लोगों को उनको अपनी आंखों के सामने देख के। केक कटिंग सेरेमनी हुई वहाँ पे और वहाँ पे सब मौजूद थे, बाबर मौजूद था, बाबर के फादर मौजूद थे गुलाम अकबर साहब, फातिमा सिस्टर मौजूद थी वहाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई, बाबर की वाइफ थी वहाँ पे, वकार की पूरी फैमिली थी, उनकी वाइफ थी, उनके भाई आमिर थे, उनकी वाइफ थी, वकार की मदर थी, और हमारे एक बहुत पुराने दोस्त थे जो कि साजिद भाई और सितारा लोगों की फैमिली के साथ कनेक्टेड थे, अता भाई, वो भी साथ थे। अच्छा, उसके साथ जो और रिएक्शनिस्ट हमारी काफ़ी बहनें थी जो उनके सपोर्ट में वीडियोस बनाती थी, सबसे पहले आज मेरी आमना सिस्टर से मुलाकात हुई, वो आगे खुद मिली मेरी बहन और उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे पूछा खैरियत, और जाहिर सी बात है हम वीडियोस बनाते हैं सपोर्ट में तो वो पुरानी कुछ बातें थी हमारी तो वो याद दिलाई, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उसके अलावा उन्होंने एक और बहन से हमारे इंट्रोड्यूस करवाया, उनके भी मतलब कोई सपोर्ट्स में वीडियो होती हैं सितारा सिस्टर के। तो ओवरऑल जी काफ़ी सारे और भी लोग आए थे और ये कुछ हमारे सपोर्ट में जितने भी लोग थे वो भी थे उनके साथ साथ। बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत ज़बरदस्त था, पहला इवेंट था, पहला मीटअप था उनका 1 मिलियन का, और उन्होंने खुद अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतनी पब्लिक आ सकती है। हाई टी का इंतज़ाम भी था वहाँ पे, अच्छी रिफ्रेशमेंट थी। तो बहरहाल जी ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कराची के आवाम के लिए, और कराची की जो ख़वातीन हैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उनको अपने करीब देख के, उनके साथ जितने भी मतलब वो बार बार उनको दुआएँ दे रही थी मैं देख रहा था, और सबके मतलब आँखों में दिल में यही था कि यार ज़बरदस्त इवेंट हो गया और उनकी ख्वाहिशें पूरी हो गई, उन्होंने उनके साथ वीडियोज़ बनाई, तस्वीर बनाई। तो ओवरऑल जी हेटर्स फिर से मायूस हो गए, उनको शर्मिंदगी का सामना पड़ा, और जिस तरीके से उनकी बातें थी मैं सुन रहा था उनकी स्टेप बाय स्टेप सबकी वीडियोस, बहुत ही ज़्यादा उनको इस बात पे अभी मायूसी हुई होगी और बहुत ज़्यादा उनको दिल में तकलीफ़ हो रही होगी कि यार ये क्या हो गया, ये किस तरह इसने सारा अरेंज किया। बहरहाल जी जिसके खुदा साथ हो तो इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में, बेशक वही देने वाला है, इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं है। तो ये आजकल जी छोटा सा एक रिव्यू था जो आप तक पहुंचाना था, जो आंखों देखी चीज़ थी वो आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।